चिकित्सकों पर टिप्पणी करने को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव से खफा है। बाबा के खिलाफ शिकायत पर रायपुर के सिविल लाइन थाना में गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस FIR होने के बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। IMA रायपुर ने सिविल लाइन थाना में बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद महामारी एक्ट के तहत गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। इससे अब बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रायपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कई धाराओं में अपराध दर्ज किया है। दरअसल बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर राकेश गुप्ता समेत अन्य डॉक्टरों ने सिविल लाइन पुलिस थाना में कोरोना संकट काल में दवाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी की शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर बाबा रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ FIR को लेकर इस वक्त चर्चाओं में है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सहित कई नेताओं के खिलाफ टूल किट मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने जांच की शुरू कर दी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।